सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप के एडिटिंग करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई यहाँ पर इस टाइप के एडिटिंग लाता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आपको सिंपली करना है लाइट रूम को ओपन, और यहाँ पर आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपना फोटो ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको करना है ऑल फोटोज पर क्लिक, और यहाँ पर आपको अपना फोटो ओपन कर लेना है। तो गाइस, इस टाइप से आपका फोटो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है लाइट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है। अगर आप अपने हिसाब से भी करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वैसे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम शेडोज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं 15 तक, और जो यहाँ पर व्हाइट्स है इसको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट थोड़ा सा कम है। उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक, और यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं टेम्परेचर, और जो टेंट है इसको भी यहाँ पर आप इंक्रीज कर लेते हैं। टेंट को हम कर लेते हैं यहाँ पर 30 तक। तो चलिए, यहाँ पर 30 तक इंक्रीज कर लेते हैं, और जो वाइब्रेंस है इसको भी यहाँ पर हम 16 तक इंक्रीज कर लेते हैं। इस टाइप से करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है मिक्स वाले टूल पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, रेड में आपको ह्यू को आपको कर लेना है 31 तक इंक्रीज, और जो यहाँ पर सैचुरेशन है इसको आपको 0 रखना है, और जो ल्यूमिनेंस है इसको आपको 10 कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर ऑरेंज वाले ऑप्शन है इसको आपको ह्यू कर लेना है 8, और जो सैचुरेशन है -18, और जो ल्यूमिनेंस है इसको 34। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको येलो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ह्यू को -100 कर लेना है, और जो यहाँ पर सैचुरेशन है इसको आपको +80 तक कर लेना है। तो इस टाइप से करने के बाद आपको यहाँ पर ल्यूमिनेंस को आपको +20 कर लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फिर से वही कर लेना है, येलो को सॉरी यहाँ पर ह्यू को -100, और जो यहाँ पर सैचुरेशन को आपको कर लेना है -26। तो यहाँ पर कर लेते हैं -26। सिर्फ आपको ह्यू को यहाँ पर -100 कर लेना है जैसे येलो में किया। उसके बाद जो यहाँ पर सैचुरेशन है इसको आपको -26, और जो ल्यूमिनेंस है इसको 22। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा डायरेक्ट ग्रीन वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ह्यू को आपको -46 का लेना है, या -47 यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद सैचुरेशन है इसको आपको 50 या 58 आप कर सकते हैं, 50 या 60 आप कर सकते हैं। उसके बाद जो ल्यूमिनेंस है इसको आपको 10 रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर ये सब हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर नीचे प्रोफाइल्स का, तो किसी भी जगह आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा प्रोफाइल्स, तो आपको प्रोफाइल्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको Artist 3 मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर इसकी लाइन आपको 170 तक रख लेनी है। तो चलिए, यहाँ पर मैं 170 तक रख लेता हूँ। उसके बाद आपको ऊपर टिक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ऑस्मेटिक टोन हमारे फोटो में आ चुका है। अब हम यहाँ पर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं। क्लैरिटी को हम कर लेते हैं 20 तक इंक्रीज़, और जो यहाँ पर DS है इसको +4 कर लेते हैं, और जो विग्नेट है इसको 48 तक इंक्रीज़ कर लेते हैं। इस टाइप से करने के बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं 47, 48 यहाँ पर आपको कर लेना है। उसके बाद जो मिड पॉइंट है इसको आपको +60 कर लेना है, और जो यहाँ पर फिदर है इसको भी यहाँ पर आप +60 या 61 तक कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, राउंडनेस को आपको कर लेना है -14। उसके बाद क्या करना है, -14 या 15 आप कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल्स में शार्पनेस को इंक्रीज़ कर लेना है, और जो यहाँ पर मास्क नॉइज़ रिडक्शन इसको भी आप इंक्रीज़ करके आप कलर नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज़ कर लेना है, और जो स्मूथनेस इसको आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिक्स पर जाकर आपको रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन को ऑन कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोटो कितना ऑसम बन चुका है। तो अगर उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब मत से तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस प्रोसेस को डाउनलोड करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए, और नोट भी पड़ेगा, उसके बाद आराम से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो गाइस, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।